पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बीमा कंपनियों के द्वारा ठगी के शिकार हुए लोगों की जानकारी करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों में फॉर्म के माध्यम से जानकारी हासिल की जा रही है। इसी कड़ी में मुरादाबाद में भी बीमा कंपनियों के द्वारा पीड़ित लोगों के फॉर्म कलेक्ट्रेट में जमा किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ऐसे में फॉर्म जमा करने के लिए पहुंच रहे लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिला और समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए ओमवीर ठाकुर ने बताया कि जो लोग फॉर्म जमा करने आ रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों से भी इस मामले में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। कमिश्नर मुरादाबाद के निर्देशों का पालन भी एडीएम फाइनेंस के द्वारा नहीं किया गया था, जिसकी शिकायत लेकर सभी जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। इस दौरान सभी ने कहा कि जो भी फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं उनकी एक रसीद भी मुहैया कराई जाए, जिससे कि जानकारी हो सके कि पीड़ितों ने अपने फॉर्म जमा करा दिए हैं। जो फॉर्म जमा किए जा रहे हैं बॉन्ड्स 2019 एक्ट के तहत जो भारत सरकार ने पास किया है, उसमें कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। समस्याएं क्या हैं कि यहाँ मुरादाबाद जनपद में जो फार्म जमा किए जा रहे हैं उनकी एक तो रिसीविंग नहीं दी जा रही है। हमारा प्रतिनिधिमंडल एडीएम फाइनेंस से कई बार मुलाकात कर चुका, लेकिन वो आश्वासन देते रहे, बल्कि उन्होंने कहा बहुत भीड़ है, हम रिसीविंग नहीं दे सकते। लेकिन हमने कहा रिसीविंग क्यों नहीं दे सकते, जब अन्य जनपदों में रिसीविंग दी जा रही हैं तो आपको रिसीव देने में क्या आपत्ति है? क्योंकि रिसीविंग ना देने से हमारे पास भी क्या सबूत रहेगा? कल को यहाँ पर 100-200 लोग आके जिन्होंने फार्म जमा नहीं भी किए हैं और वो भी आके कहने लगेंगे कि हमने फार्म जमा कर दिए हैं, उस समय ये प्रशासन क्या काम करेगा? किस तरह से कौन सा सबूत मांगेगा कि ये फार्म जमा है आपके? दूसरी बात, हमने शनिवार के दिन कमी आयुक्त महोदय जी को भी पूरा प्रतिनिधिमंडल मिला था और उन्होंने एडीएम फाइनेंस को फ़ोन करके कहा था कि इन लोगों को रिसीविंग दी जाए और तहसील स्तर पर भी फार्म जमा किए जाएं, लेकिन आयुक्त महोदय के आदेश का भी अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सोमवार से रिसीव हो जाएंगे, लेकिन सोमवार भी आज मंगल बुध बृहस्पति का दिन आ गया, 3-4 दिन हो गए, उनके आदेश का भी अनुपालन नहीं हुआ। उसके बाद आज हम सभी लोग ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सभी हमारे पदाधिकारीगण आज दोबारा से अपर आयुक्त प्रशासन से भी मिले। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आपकी रिसीविंग भी होगी और तहसील स्तर पर फार्म जमा किए जाएंगे। उसके बाद हम अपने जिलाधिकारी महोदय से भी अभी वार्तालाप करके आ रहे हैं, 5 मिनट पहले अभी वार्तालाप हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं एडीएम को बुला करके कहूँगा कि इनको रिसीव भी दी जाए और साथ ही साथ तहसील स्तर पर भी फार्म जमा कराए जाएँ, कि साथ ही साथ यहाँ फोटोकॉपी करने वाले, क्योंकि जब जमा वाड़ा लगा हुआ है तो आप समझते ही हैं यहाँ हमारा जमा करने वाले फार्म वालों का भी शोषण किया जा रहा है। फार्म भरने के नाम पर किसी से 50 रुपये 100 रुपये लिए जा रहे हैं, कहीं फोटो स्टेट तक 5-5, 10-10 रुपये की जा रही है, और आप देख ही सकते हैं क्या आलम है यहाँ पर, भीड़ का क्या आलम है, पूरा मेला लगा हुआ है, अफरा तफरी फैली हुई है। तो इसलिए हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ओर से कि इन फार्मों को तहसील स्तर पर जमा किया कराया जाए, साथ ही साथ रिसीविंग इनको सबको उपलब्ध कराई जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो 2-4 दिन के अंदर ठगी पीड़ित जमाकर्ता यहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।